भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते नहीं, कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया, जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, नो कुछ ही नहीं कर रहे। डमचाक में, डबसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है, उत्तराखंड में चीन भारत में टेसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है, अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते, ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए, कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए, और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से, बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, क्या कर रही है IBM अमित शाह, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में, हथियार आ रहे हैं, अरब का मैच खेलेंगे, पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर, क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते, 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में, क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ, टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है, यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर,